नमस्कार, मैं सूरजमणि आप सभी का शर्मा जी से पूछो कि इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। आइए पूछते हैं कुछ सवाल और जानते हैं उसके टेढ़े मेढ़े जवाब शर्मा जी से। शर्मा जी, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, सारा दिन तड़पता हूं, सारी रात जागता हूं, जाने क्या हुआ मुझको, बता कोई दवा मुझको। तुझे मना किया था ना, ब्याह मत करियो, जब मेरी बात नहीं मानी तो भुगतब। शर्मा जी, हमारे देश के कानून के बारे में आपकी क्या राय है? झूठ मैं बोल नहीं सकता, सच बोल दूंगा तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। शर्मा जी, अगर आप साधु होते तो क्या होता? अभी तो साहित्य का बेड़ा गर्क कर रहा हूँ, साधु हो जाता तो धर्म का बेड़ा गर्क करता। शर्मा जी, एक बात पूछूं, सच सच बताइए, आपकी कितनी प्रेमिकाएं हैं? अगर सच सच बता दिया ना तो जितनी है वो भी नहीं रहेंगी। शर्मा जी, अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर जाने लगे तो आप क्या करेंगे? करना क्या, उसे स्टेशन तक छोड़ने जाऊंगा। शर्मा जी, महात्मा गांधी खेल कूद में भाग क्यों नहीं लेते थे? महात्मा गांधी अगर खेल कूद में भाग लेते तो आज हम देश में खेल कूद थोड़ी रहे होते। शर्मा जी, यदि आप और भाभी जंगल में जा रहे हों और सामने से शेर आ जाए तो आप पहले अपनी जान बचाएंगे या भाभी जी की? मेरे विचार में मैं और शेर दोनों अपनी जान बचाएंगे। शर्मा जी, कहते हैं औरत में बहुत सहन शक्ति होती है, तो मर्द में क्या होता है? मर्द में औरतों को सहने की शक्ति होती है। शर्मा जी, अगला सवाल है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, सुरेंद्र तेरा नाम रहेगा। मेरे ख्याल से अब इसे बदल देना चाहिए कि जब तक सुरेंद्र शर्मा रहेगा, सूरज तेरा नाम रहेगा। शर्मा जी, शिवदत्त ने सवाल किया है कि पत्नी के मायके चले जाने का आनंद किस प्रकार उठाया जा सकता है? शिवदत्त, मैं तो खबर मात्र से आनंद उठा रहा हूं। शर्मा जी, अगला सवाल है कि माचिस और बीवी में क्या अंतर है? ऐसा है, बीवी अगर माचिस को सुलगाए तो घर स्वर्ग हो जाता है, और माचिस बीवी को सुलगाए तो वही घर नरक। शर्मा जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है? एक ही अंतर है, जो आटे के हलवे में और बादाम के हलवे में। शर्मा जी, अगला सवाल है कि स्त्री और पुरुष में सबसे तेज अक्ल किसकी होती? पुरुष की अक्ल तेज होती है, क्योंकि वो अपनी अक्ल से कई चीजें छुपा जाता है जो पत्नी पकड़ नहीं पाती।